हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश चौधरी। नीतीश टॉक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूट्यूब से सब्सक्राइबर को हाइड कैसे किया जाता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊं कि हाइड कैसे किया जाता है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। चलिए डेस्कटॉप की स्क्रीन की साइड। आप सब्सक्राइबर हाइड करने के लिए किसी भी ब्राउजर पे जा सकते हैं। मेरे पास क्रोम है तो मैं क्रोम पे मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूंगा youtube.com। अब मैं अपना अकाउंट यहां पर लॉगिन करूंगा। ये मेरा पोस्ट अब यहां पे हम अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। फिर हम जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो पर। यूट्यूब स्टूडियो पे आप जाएंगे, जैसे ही वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखते हैं। डैशबोर्ड, कंटेंट, एनालिटिकल, सबटाइटल, कॉपीराइट, मोनेटाइजेशन, कस्टमाइजेशन, ऑटो ऑडियो लाइब्रेरी। देन नीचे हम आएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद आपको 5-6 ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें हमें जाना है चैनल पे। चैनल पे जाएंगे तो हमें 3 ऑप्शन दिखते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग, फीचर्स एलिजिबिलिटी। हम जाएंगे एडवांस सेटिंग पे। देन एडवांस सेटिंग पे जाएंगे, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है एक सब्सक्राइबर काउंट, मतलब ये है कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हो रहे हैं उसको काउंट करके आपको डिस्प्ले करना है या नहीं करना। अगर आप टिक कर देते हैं, इसका मतलब कि आपको डिस्प्ले करना है। ये ऑटोमेटिक आता है टिक किया हुआ, पर मैंने इसको अनटिक कर रखा बिकॉज मुझे भी अपने सब्सक्राइबर को शो नहीं करना किसी को। तो आप भी सेम है, इसको अनटिक कर सकते हैं और यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अभी मैंने अनटिक करके सेव कर रखा, इसलिए यहाँ पे सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। अभी मैं टिक करूंगा तो यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, पर यहाँ पे मैंने अनटिक ऑलरेडी कर रखा है। सेम यही प्रोसेस होता है मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन में आपके पास अगर क्रोम है, क्रोम ब्राउजर है, अगर नहीं है तो उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और है तो उसमें ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर को। देन उस पर 3 डॉट आते हैं, 3 डॉट राइट हैंड साइड के ऊपर की साइड 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप मोड पे कीजिए। डेस्कटॉप मोड पे करने के बाद सेम प्रोसेस है आपका, सेम प्रोसेस फॉलो करके आप मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं।